अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? तो आज चल रही है घर में सफाई। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 2-3 दिन से घर में थोड़ा 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 साफ सफाई चालू है, क्योंकि रमजान आने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया। तो आज चल रही है बेडरूम की सफाई। ठीक है, वहाँ पे जाले वगैरह साफ कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं आपको पता है? तो यहाँ पे ये सब सामान रखा हुआ है। अभी हॉल पूरा गंदा पड़ा है। आजम जो है वो सो रहा है। अभी उठा था उसको, दूध पिला के वापस सुला दिया, फिर उठा, मेरी आवाज़ से मैं पीछे हट रही हूँ। तो गया वापस, उड़ी है, आती मिलती है आप लोगों से। छोड़ छोड़ मामा, छोड़ आज मैं अच्छा बच्चा ना, छोड़ हाँ अच्छा बच्चा। हाँ नीनू आई है मेरे बच्चे, हाँ सोएगा मेरा राजा बेटा। हाँ बस बस बस, मैं इसलिए व्लॉग नहीं चालू करती जब वो सोता है, क्योंकि वो मेरी आवाज़ दे सुन के ना उठता है। वो ही मसला है मेरा। छो जमा, छो जो, छो जो, मेरा अच्छा बच्चा छोएगा ना? नहीं छोएगा, नहीं छोएगा, नहीं छोएगा। तो फिर अभी बाकी का काम क्या छोएगा? मेरे को सामान साफ करने जाने का था। हाँ जो कैसा कैसे होएगा, लेट जा, थोड़ा लेट जा, मैं दिखा के आती हूँ कौन सा सामान साफ करने का मुझे थोड़ा। हाँ ऐसा लेट जा। हाँ आयशा मेरा अच्छा बच्चा। हाँ आयशा मैं आती हूँ माँ, 1 मिनट में आती हूँ। तो शो हाँ आती आती मैं आती आती। सो गाइस, मैं ये वाले सामान की बात कर रही हूँ। पूरा मेरा ड्रेसिंग टेबल का सामान है जो यहाँ पे ऐसा धूल धूल होके पड़ा हुआ है। इसको अभी एक 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 प्रोडक्ट करके साफ करके फिर ये ड्रेसिंग टेबल में मुझे लगाना है। ये पूरा खाली कर दिया हमने। ठीक है, आ रही आज हमारी। तो ऐसा है, देख रहे हो ना, ये उड़ गया अब। हाँ और इसको बाहर लेकर भी नहीं जा सकती, मेरे घर में काफ़ी धूल है। ये रूम थोड़ा साफ है, कल यहाँ के जाले वगैरह साफ सफाई हो चुकी है। क्या हुआ? सो गाइस, आजम के कपड़े हो गए थे गीले, तो अभी मैं उसको चेंज कर रही हूँ। इधर बैठा है मेरा नंगू पंगू, उसको ये पहना दूंगी। क्या मैं तुझे दिखा नहीं रही होती तक क्यों खुश हो रहा? दिखाओ दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ये देखो, चलो आ जाओ, आओ आओ जल्दी आओ, आओ आओ आज अम्मा आज। फाइनली मैंने इसका कपड़ा चेंज कर दिया और मैंने एक डोरी इसकी जो है वो छोड़ दी है, क्योंकि मेरा बेटा ये डोरी से खेलता है। नंदू है ना आज, एक एक डोरी छोटी है, एक डोरी बड़ी है, सेल्फ खिलौना है ना। खुद का अपना पर्सनल, ना कहीं जाता है ना कहीं घूमता है, दिन भर अपने साथ रहता है आजम का दोस्त। इसकी सेल आजम कहाँ है? इसकी सेल जल्दी बोल, तू फेंकता है कहाँ है? अभी बोल रहा था ना कहाँ है, कहाँ है, कहाँ इसकी सेल कहाँ है? टीवी लगाने का नहीं, मेरे को नहीं बात करने का। सेल किधर है? सेल किधर है? मैं टीवी लगा रही हूँ, कहाँ है सेल? अभी जवाब दे रहा था चिल्ला चिल्ला के। कौन खड़ी करेगा ये चादर? हाँ बोल रही हूँ ना, घर गंदा है, इधर मत था बिठा दी तू, मैं झूले में इधर तो भाग रहा है। आधे कपड़े स्त्री के और आधे कपड़े छत्र हो गया। सब सब बिस्तर चद्दर सब धो दिया अल्हम्दुलिल्लाह। खाली खाली अभी कौन सा ये जो बाहर लटकी है ना, क्या पता आप लोगों को दिख रही है, ये अलग चद्दर धोनेगा। क्यों धोनेगा? क्योंकि ये चादर हम लोग ना कारपेट पे बिठाते हैं जब आजम को कुछ खाने के लिए ऐसे डालते हैं, साफ सुथरी चादर, क्योंकि कारपेट पे डिम्पो भी बैठती है देखो तो गंदा होता है, ये बाल रहते हैं ना। अच्छा अभी चादर जैसी भी घड़ी हो रही है वैसी घड़ी हो रही, तो वो चादर को धोनेगा। तो क्या खाया धागा? सो गाइस, यहाँ पे आजम उठ के बैठा है, तो मैं जाके वो जो ड्रेसिंग टेबल का सामान है वो एक एक करके अभी मैं क्लीन नहीं कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ इसके साथ खड़े रह के
चादरे वगैरह खड़ी कर लेती हूँ, स्त्री के कपड़े स्त्री को जाने देती हूँ, मतलब पोटला बांध के रख देती हूँ। और ये जो सामान है जो मैं अभी साफ करने वाली थी, ये टप में भर के रख देंगे, बाकी जो है निशा यहाँ पे झाड़ू जमीन कर लेगी। निशा के पैर देखो, मुंह मत देखो, मुंह दिखाऊंगी भी नहीं कभी भी। फिर निशा की लव स्टोरी पूछेगी, निशा शादी पूछेंगे, बच्चे पूछेंगे, मैं नहीं बताना चाहती तुम्हारे बारे में कुछ भी। सही है, मत बता, है ना। मस्ती। अभी कुछ लोग नया मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये सोच रहे हैं क्यों मुंह छुपा रही है, नहीं दिखा रही है अपने घर में जो हेल्प करने के लिए आए हैं, तो इस पे एक अच्छा खासा वीडियो बना हुआ है कि मैं क्यों नहीं दिखा रही, तो आप लोग वॉच कर सकते हैं। जी हाँ, लिंक मैं आइकन बटन में लगा दूंगी। मेरे बच्चों के कपड़े कौन है रे? आया आपके भाई जान का शफी विनोद शेख का। नहीं तो मैं अभी फिलहाल इधर घुसा के रख दूँ। जब स्त्री वाला पुराने मतलब स्त्री के कपड़े लेके आ जाएगा फिर तो उसके पोटले में ये डाल देंगे। का ए का, ये देखो चांद और सूरज को एक साथ देखेगा, कभी देखते ही होंगे ना कि नहीं देखे। ये देखो यहाँ पे मेरा चांद है और यहाँ पे डूबता हुआ सूरज है। ए देखो, देखा, ये देखो चांद और सूरज सामने बैठे ले मेरे ऐशाला। यही ना मम्मी जोनी ऐशाला का हुआ नींद आ रही। और अभी अप्पी के आने का टाइम हो गया, अभी मैं जा रही हूँ उसको लेने, चलेगा? मैं नहीं आ रही, अप्पी को देख रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ अप्पी आई कि नहीं आई। बाप रे घर, ये घर, ये रूम में ना ये झूला वो झूला, ये झूला अंदर बेडरूम में रहता है, नहीं वो झूला अंदर बेडरूम में रहता है आजकल, और ये हॉल में रहता है, और वो टब में देख सकते हैं आप मेरे सामान आ गए हैं जो स्किन केयर हेयर केयर जो भी मेरे वो जो कॉस्मेटिक्स है उसको मेरे को अभी क्लीन करके लगाना वापस से। ये कपड़े मैंने घड़ी क्यों, अरे हजम, और बस यहाँ पर मैं इंतज़ार कर रही हूँ उसमा के आने का। जैसे ही मुझे उसकी वैन दिखेगी फिर मैं नीचे जाऊंगी उसको लेके आऊंगी। तो ऐसा है, बैठो तुम बैठो। जल्दी जा फ्रेश हो जाओ। ये तुम्हारे ड्रेसिंग के मशीन क्या चीज़? हाँ रुको उसमा जा, चल फ्रेश हो जल्दी। देख वैसे ही ना भाई परेशान कर रहा, जब से कुछ नहीं करने दे रहा, तू भी मत परेशान कर। ये बेचारा क्या परेशान करेगा, वो खुद परेशान हो रहा है एक ही जगह बैठकर। नहीं घर में धूल है एक्चुअली, आज नहीं गलत टाइम पे सो के उठाया, वरना ये टाइम पे सोते रहता ना आराम से काम होता है। सो फाइनली गाइज ये रूम क्लीन हो गया है और सोफे से बेड को फैला दिया है। आज़म आज़ाद हो गया है, अभी आज़म यहाँ थोड़ा सी फ्रीली घूम रहा है, ठीक है। और रही बात ड्रेसिंग की, तो ड्रेसिंग अभी खाली ही है, बस वो थोड़ा सा सूख जाए तो फिर ये सामान लग जाएगा। और आज़म उज़्मा यहाँ ए नकड़ी जाके नाक साफ कर, आई बड़ी जा जाके नाक का साफ करके जा। आओ गाइस खाना खाने के लिए। आज मेरे को खाना खाने के लिए सच में बहुत लेट हो गया, आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये मेरी पहली रोटी है सुबह से, शाम के बज रहे 7। ए हट आज़म, आज़म नहीं। और आज आपके भाईजान आने वाले हैं लेट, पहले ही बोल दिए थे वो बहुत लेट होने वाला उनको आने के लिए, तो इसके लिए मैं नाश्ते का भी इंतज़ार नहीं कर सकती। आज़म को पकड़ना, उसमें खाना खाने तो दे यार, देखो पता है वो कैसा करता है चीज़ों को देख के। तो मैं वो फ्रेंकी का भी इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए खाना खाने बैठ गई। ले आकर आकर एल एल। और ये वही बैगन का भरता है जो मैंने कल बनाया था, कैसा है? अच्छा है। अले ले, बहुत बहुत तेरे को है ना अंदर प्लेट में जाने का, ले ले। अच्छा है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी बढ़ा दी अभी। ए ले माँ,
आजू अरे तेज लगा ये पकड़ना उसमें खाना खान देना प्लीज। तू भी खा रही? नहीं। इसने तो अब भी खाई है। क्या खाई? क्या सेम बैंगन का भरता और रोटी। अरे मेरे को छोड़ा, अभी उसमें को पकड़ा तुमने। अच्छे जाले वाले साफ हो गया माशाल्लाह। बहुत जला हो गया था ये रूम में, बहुत ज्यादा जला हो गया था है ना। हर महीने सफाई होती है लेकिन फिर भी जला होता ही है, धूल होती है। अब ठीक, पर्दे भी डाल दिए धोने में, अभी देखते हैं क्या लगाने में, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा नहीं तो सुबह की धूप से नींद टूट जाएगी। तू क्या कर रही है उसमें? मैंने कल ही सेट किया वो सब चीज़, वापस क्यों सेट कर रही तू? वो ऊपर गई, वो जो उसके ऊपर है ना सामान रख दूँ मैं, आदम का मॉइस्चराइजर, आदम का सब सामान, जो काम करते वो नहीं करती, कुछ अजीब ही लगे बढ़ती काम करना। हाँ, अच्छा गाइस गाजर इसको ना आजम को ना अच्छा लगा बैगन का भरता। अच्छा चल ले ले, ले। अच्छा लगा उसको माशाल्लाह। तेज नहीं लग रहा आजम? तेज नहीं है? अच्छा देरी 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 आ ले मम्मा मम्मा ए ले ले अले। तो अभी तेज लगा, अभी मैंने ज्यादा खिला डाली। अच्छा ठीक है चल ठीक है बस बस बस। सो आजम अभी सो गया था, उसमें भी चले गई अरबी, तो मेरे पास टाइम था तो मैं बोली चलो फटाफट से ये ड्रेसिंग टेबल का जो सामान बाहर पड़ा है उसको उठा के रख देती हूँ। और इस वक्त पे इतना बुरा बुरा सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जाओ कैसे जाके फटाफट से नहा लूँ, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन खैर कोई नहीं, ये काम करने के बाद सोची थी नहाने जाऊंगी, लेकिन हो नहीं पाया। आजम उठ गया, बहुत जल्दी उठ गया, तो खैर कोई नहीं। और हाँ यहाँ पे ना मुझे सामान लगाते लगाते क्या होता है पता है, नॉर्मली अपन मेरे को खास करके ऐसा कुछ स्किन केयर के लिए मैं सोचूं कि मैं अभी आज ये लगाऊंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो आज सामान उठाते उठाते लगाते लगाते मेरा फेवरेट वाला मास्क मुझे दिख गया, और ख़ास करके मेरे स्किन को सूट भी करता है हैलुरोनिक एसिड के प्रोडक्ट्स, चाहे वो सीरम हो चाहे फेस मास्क हो, तो मुझे मिल गया मेरा फेवरेट फेस मास्क। तो मैंने आज फेस मास्क भी लगा ली, काम के साथ साथ वो लगा भी लिया, और फिर वो बाद में सूख भी गया। तो खैर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग टेबल के जो सामान है उसको मैंने अच्छे से लगा दिया है। इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ के लिए आते भी नहीं है क्योंकि डेली डेली आप इतना प्रोडक्ट लगाते नहीं हो, लेकिन हाँ मैं वक्त के साथ हर प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। सारे प्रोडक्ट मेरे आधे ख़त्म है, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने प्रोडक्ट मेरे पास है सारे पैराबिन फ्री है, इसलिए वो कोई रिएक्ट नहीं करते गलत तरीके से। और इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जैसे मैंने बताया ये सबसे नीचे जो है ना मिरर वाली साइड पे, वो सारे प्रोडक्ट है ना एक्सपायरी की आसपास में है, मतलब नज़दीकी उसका टाइम ख़त्म होने वाला है, तो उसको मैंने साइड रखा है। तो बस और कुछ नहीं, मैं इसलिए सारे प्रोडक्ट यूज़ करती, कभी ये कभी वो कभी वो, जो मेरे हाथ में आता है जैसा मौसम चल रहा है मैं वैसे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। कोई टिपिकल प्रोडक्ट पे मैं कभी नहीं वो होती हूँ, स्टिक नहीं होती हूँ, तो ऐसा है। और ये कपड़ा मेरे प्रोडक्ट क्लीन करने के लिए हमेशा, ये कॉटन का कपड़ा मेरे ड्रेसिंग टेबल में होता ही है कंपल्सरी। और यहाँ पे ये सामान लगाए लगाए तक के मेरा मास्क भी सूख जाता है, थोड़ा 5 मिनट रुकने के बाद मैं मास्क धो लेती हूँ, लेकिन मुझे नहाने का टाइम नहीं मिला। सच में मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके भजन के आने का। कहाँ गए रे, छुप गई? मैंने देखा था, मस्ती मस्ती में सलाम भूल गई। वालेकुम अस्सलाम, क्यों इतने जोर जोर के भाग के आए तुम लोग सीढ़ी पे से और धीरे भाग? आपको नीचे ही छोड़ती है, लिफ्ट के अंदर छोड़ती है आयशा को। क्यों? उसको आप डांटती होगी शायद। चिल्ला मत, आजम सो रहा है। सब सफाई हुई ना तो वहाँ से सब सामान निकला पलंग के नीचे से, चिल्लाना नहीं। हाँ आजम सो रहा है। हाँ बेटा क्या बनाई है मैंने? झाड़ू छतरी
इस तरीके के कपड़े भी जा रहे हैं स्त्री को, आग और आगे स्त्री से कपड़े, तो आधे से ज्यादा काम तो आज निपट गया। चने डाल के बैठ उसमें, जमीन पे बैठे बिना खेल गई। कोई कहाँ भाग के गया पता है आप लोगों को? आप वापस इधर अंदर तक आ गए किचन में। मैंने क्या बोला था आपको सामान ना फ्रिज का सामान था, कोल्ड ड्रिंक रखी थी इसके लिए, अगर उसको मैं लेके जाता बैग में रखता तो मेरी बैग खराब जाती, इसके लिए मैं पहले फ्रिज में रखा सामान। अरे मेरा बच्चा कितना दीवाना है, कैसे भाग भाग के आ रहा है? बेटा मैं आ गया हूँ, जस्ट चिल हाथ में धो लूं फिर तुम्हें लेता हूँ। दूध वूध भी लेके आ गए क्या आते समय पे? हाँ। अब भी गिरा आएगा तो अब भी किया आएगा बेचारा, ओ मेरा बच्चा चुचू किया अभी भी नहीं ना तुमको चड्डी, रुको वापिस लेके आती हूँ। मैं सच में आज थक गई हूँ बहुत ज्यादा। बाबू बेडरूम तो देखो, अच्छा पहले तुम तैयार हो जाओ, साफ हो जाओ बाबा, तुम्हारे पैर में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही। दे ना उसको, क्यों चिढ़ दिला रही? ऐसा कैसा गेम है क्यों चिढ़ रहा है? यहाँ पे मैंने मैट डाल के रखी ताकि बच्चे जमीन पे ना बैठे। और आप सब बोल, मेरी अम्मी कह रही है कि बच्चे को दे दे, हर चीज आज हम मुंह में डालता है, आप ही देख लीजिए। हाँ तो मैंने थोड़ी ना देखी किस पे जाएंगे, ये बुढ़िया अम्मा देखो कैसा बोल रही आप ही देख लीजिए गाइस, मेरी अम्मी क्या देने मेरे भाई को बोल रही है जिसपे इतना सारा जंग है, देख लीजिए गाइस। तो गाइस मैं यहाँ पे चाय चढ़ा चुकी हूँ और साथ ही साथ बना रही हूँ दाल चावल, उसमें को बना के दिया है अभी मैंने काढ़ा, उसको खांसी हो रही है तो बोली अम्मी काढ़ा बना के दो, तो मैंने उसके लिए अभी काढ़ा बनाया और उसको काढ़ा बना के दिया। तो ऐसे अभी आजम को खाना खिला के आई हूँ और देख सकते हैं यहाँ का पर्दा जो है वो धोने में गया है, धोने में डाला है, इसके लिए हमने लगा दी रात के लिए चादर यहाँ पे। तो बस आज की रात यही हमारा पर्दा है और कल वो धो के दिन में धो दूंगी, रात तक सूख जाएगा फिर लगा देंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है ना दीवार के कलर के साथ, मतलब मेरे मैच हो गई है चादर, ये लगाने के बाद ऐसा लगा इसको ही फिक्स कर दो, अच्छा भी लग रहा है, प्रिंटेड वॉल लग रही है वो, हाँ बात अलग है, एकदम रियल नहीं लग रही लेकिन फिर भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरे बेडरूम को। सो गाइस इसी के साथ ये ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, आप लोग भी अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना, बाय बाय।